गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज हम हिंदी पढ़ेंगे। जिस तरह इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, उसी तरह हिंदी में अक्षर होते हैं, जिन्हें स्वर और व्यंजन कहते हैं। ये क्या है बच्चों? ये लिखा है स्वर। ये सारे अक्षर स्वर कहलाते हैं। बच्चों आप भी मेरे साथ बोलिए, अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह। बच्चों आज हम अ आ ई ई ऊ ऊ और री तक हम सीखेंगे। ये क्या है बच्चों? ये है अ। आप सभी को मेरे साथ बोलते जाना है। अ से अनार, अ से अदरक, अ से अमरूद, अ से अनानास। अब हम एक साथ बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना? अ से अनार, अ से अदरक, अ से अमरूद और अ से अनानास। ये क्या है बच्चों? आ। आ से आम, आ से आदमी, आ से आकाश, आ से आवाज। अब हम फिर से एक साथ बोलेंगे बच्चों, आ से आम, आ से आदमी, आ से आकाश और आ से आवाज। अब ये क्या है बच्चों? ई। ई से इमली, ई से इमारत। आप भी बच्चों मेरे साथ बोलते जाओ, ई से इनाम, ई से इंद्रधनुष। अब बच्चों हम एक साथ बोलेंगे, आप भी मेरे साथ बोलते जाइए, ई से इमली, ई से इमारत, ई से इनाम, ई से इंद्रधनुष। बहुत बढ़िया बोल रहे हो बच्चों, वेरी गुड। अब ये क्या है बच्चों? ये है ई। ई से ई, ई से ईट, ई से ईद, ई से ईश्वर। अब हम एक साथ बोलेंगे, ई से ईख, ई से ईट, ई से ईद और ई से ईश्वर। समझ में आ गया बच्चों? अब ये क्या है बच्चों? ऊ। ऊ से उल्लू, ऊ से उंगली। बोलिए बच्चों, वेरी गुड। ऊ से उत्तर यानी कि उत्तर दिशा। ऊ से उल्टा। अब हम एक साथ बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना? ऊ से उल्लू, ऊ से उंगली, ऊ से उत्तर, ऊ से उल्टा। अब ये है बच्चों ऊ। ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊट, ऊ से ऊसर। ऊसर मतलब जिस जमीन पर पेड़ पौधे नहीं उगते उसे ऊसर कहते हैं,
तो बच्चों आप भी मेरे साथ बोलो, ऊ से ऊसर। अब हम एक साथ बोले बच्चों, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊन, ऊ से ऊट और ऊ से ऊसर। अब ये क्या है बच्चों? ये है री। री से ऋषि, री से ऋतु, ऋतु यानि कि मौसम, गर्मी सर्दी बारिश, इसे हम ऋतु कहते हैं। बोलो बच्चों आप भी मेरे साथ, री से ऋतु। अब हम एक साथ बोलेंगे, री से ऋषि, री से ऋतु। तो बताइए बच्चों आज हम किस किस स्वर से मिले? आज हम अ आ ई ऊ और री। वेरी गुड। अब हम स्वरमाला के ए से अ तक दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।